हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज हम रिवाइज करेंगे बिजनेस स्टडीज, जिसके अंदर हम लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अंडरस्टैंड करेंगे। और ये जो डेफिनेशन है ऑल्सो रेलिवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऑल्सो रेलिवेंट जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो दिस इज माई ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है रेलिवेंट है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो MSMED एक्ट 2006 है, उसका मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, जिसके अंदर जो एंटरप्राइजेस हैं उसको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड दी मीडियम एंटरप्राइजेस। और उसी तरह एंटरप्राइजेस को क्लासिफाई किया गया मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, रेंडर करती हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरी के अंदर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के अंदर जो डेफिनेशन दी गई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की, डेट वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है, जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस है तो अगर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉट मोर देन 25 लाख, तो उसको हम माइक्रो एंटरप्राइज मानेंगे। और उसी तरह स्मॉल जो एंटरप्राइजेस है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, दैट शुड बी मोर देन 25 लाख एंड नॉट मोर देन 5 करोड़। इसी तरह मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज मोर देन 5 करोड़ बट नॉट मोर देन 10 करोड़। सर्विस एंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस आर डोज एंटरप्राइजेस जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज नॉट मोर देन 10 लाख। स्मॉल एंटरप्राइजेस अंडर सर्विस एंटरप्राइजेस जो है अबव 10 लाख बट नॉट मोर देन 2 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर क्या है कि जो सर्विस एंटरप्राइजेस के अंदर जो डिफाइन किया गया है 2 करोड़, अबव 2 करोड़ बट नॉट मोर देन 5 करोड़। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर चेंजेस आई, क्योंकि COVID-19 की वजह से इंडस्ट्री काफ़ी इफेक्ट हो गई थी, स्मॉल स्केल सेक्टर काफ़ी इफेक्ट हो गया था। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के नीचे फिनांस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन ने 13 मई 2020 को काफ़ी सारे स्टिमुलस पैकेज जो थे अनाउंस किए गए, और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस सेक्टर के अंदर जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो डेट वाज उनको सेग्रीगेट किया जा रहा था, तो वो जो है वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। तो अब जो न्यू डेफिनेशन थी जिसके अंदर अब कोई डिस्टिंक्शन नहीं माना जाता था, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन न्यू क्लासिफिकेशन थी डेट वाज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नेचर ऑफ एंटरप्राइजेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है चाहे वो सर्विस है, तो माइक्रो के अंदर हम उस एंटरप्राइज को कहते हैं जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है या इक्विपमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है नॉट मोर देन 1 करोड़, और उसी तरह एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़, और जो एनुअल टर्नओवर की लिमिट है डेट इज जो टर्नओवर है वो एनुअल टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज्यादा बट लेस देन 50 करोड़। उसी तरह जो मीडियम एंटरप्राइजेस है वहां पे जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है डेट इज और इक्विपमेंट नॉट मोर देन सॉरी मोर देन 10 करोड़ बट नॉट मोर देन 20 करोड़। और उसी तरह एनुअल टर्नओवर जो है 50 करोड़ बट 50 करोड़ एंड मोर बट नॉट लेस देन 100 करोड़। ये जो डेफिनेशन मीडियम एंटरप्राइजेस की थी इसको चेंज किया गया 1 जून 2020 को। तो अब जो लेटेस्ट डेफिनेशन है कि जो माइक्रो है इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एनुअल टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए,
स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली नॉट मोर देन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर जो चेंजेस की गई कि यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट मोर देन 10 करोड़ बट नॉट लेस देन 50 करोड़, जैसे अर्लियर ये 20 करोड़ थी। और उसी तरह यहाँ पे जो एनुअल टर्नओवर है ये 50 करोड़ और मोर बट नॉट लेस देन 250 करोड़। तो यहाँ पे क्योंकि ये पहले 100 करोड़ तक थी तो अब इसको 250 करोड़ कर दिया गया है।